हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करना चाहती हूँ। कुछ टाइम से ओ लेवल के लेक्चर्स अपलोड नहीं हो रहे थे क्योंकि पेड लेक्चर्स चल रहे थे, इस वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब क्योंकि हमारा एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है, तो अब हम डेली बेसिस पे आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे और उन वीडियोस में हम वो टॉपिक्स करेंगे जिनको पढ़ने से हमारा एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी क्लियर हो सके। मतलब जो मैं M1 R5 और M2 R5 के लिए पूरा कोर्स चला रही थी, उसे मैंने होल्ड पर रखा है, क्योंकि अभी हमारे पास जो टाइम है उसमें हम सिर्फ पोटेंशियल क्वेश्चंस कर सकते हैं, वो टॉपिक्स पढ़ सकते हैं जिन्हें पढ़ के हम एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि हमारा मेन मोटिव है इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, क्लियर करना, जिससे कि हम अपने गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में बैठने की एलिजिबिलिटी को बढ़ा सके। तो अब जितने भी दिन बचे हैं उन सारे दिनों में हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे और ये देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है जिन्हें पढ़ने से हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ गेस्ट पेपर 1 फॉर सी प्रोग्रामिंग। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई है मेरे पास कि उनका सी मॉड्यूल क्लियर नहीं हुआ था लास्ट टाइम, तो इस बार उनके पास बहुत अच्छा मौका है, वो लोग सी प्रोग्रामिंग की अच्छी तैयारी करके इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ ही में वो टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ नीलिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन बनते ही है, चाहे वो MCQ हो, मैच द फॉलोइंग हो, या फिर वो आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस हो। तो हम अब जो वीडियोस लाएंगे उन सब में हम वो टॉपिक्स करेंगे जिन्हें करके आप मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकते हो अपने सी प्रोग्रामिंग वाले पेपर में और साथ ही में और भी मॉड्यूल्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 देखती हूँ क्या आया था। Which of the following is a scalar data type? ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सा स्केलर डेटा टाइप है। ऑप्शन ए इज फ्लोट, ऑप्शन बी इज यूनियन, ऑप्शन सी इज एरे एंड ऑप्शन डी इज लिंक लिस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्केलर डेटा टाइप क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसका कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करते जा रही हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से इस वीडियो को देखना। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फ्लोट। अब ये कैसे आया, क्या कंसेप्ट है, ये समझते हैं। तो बात करते हैं डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज के बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन देती हूँ ब्रीफ में। सी लैंग्वेज क्या है? सी लैंग्वेज एक मिडल लेवल लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए बनाई गई है, ठीक है। सी लैंग्वेज क्या होती है? इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है जिसका इस्तेमाल करके हम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को। और इस लैंग्वेज को बनाया था, इसके इन्वेंटर का नाम भी आप याद कर लीजिए, द इन्वेंटर नेम इज डेनिस रिची। डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को इन्वेंट किया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है MCQ या फिर मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेट में। तो अब बात करते हैं सी लैंग्वेज में यूज होने वाले डेटा टाइप्स। अब आप लोग जानते हैं कि सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से बनता है हमारा प्रोग्राम। तो प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है डेटा टाइप्स की। डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो सी लैंग्वेज में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के डेटा के टाइप्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डेटा टाइप स्पेसिफाई हाउ वी एंटर डेटा इनटू आवर प्रोग्राम्स एंड व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी एंटर। तो डेटा का टाइप ये स्पेसिफाई करता है कि किस टाइप का डेटा हम अपने प्रोग्राम में एंटर करने जा रहे हैं और किस टाइप की वैल्यू वहाँ पे स्टोर होने वाली है। सी लैंग्वेज हैज़ सम प्री डिफाइंड सेट ऑफ डेटा टाइप्स टू हैंडल वेरियस काइंड ऑफ डेटा दैट वी कैन यूज़ इन अवर प्रोग्राम। तो सी लैंग्वेज में
कुछ प्री डिफाइंड सेट ऑफ डेटा टाइप्स पहले से ही अवेलेबल रहते हैं ताकि हम डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा को हैंडल कर सकें। अब देखिए, मैं इसको आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, डेटा बहुत सारे टाइप का हो सकता है। फॉर एग्जांपल, किसी की एज क्या होती है, नंबर में होती है, 15 इयर्स, 35 इयर्स, 29 इयर्स। अगर हम बात करें किसी के नाम की, तो नाम क्या होता है, नाम होता है करेक्टर में, जैसे कि रीमा, अजय, सीमा, तो ये करेक्टर्स हैं। ऐसी अगर मुझे किसी पर्सन की परसेंटेज एक्सप्लेन करनी है, तो मैं बोलूँगी कि उसने इंग्लिश में 94.23 मार्क्स स्कोर किए, या फिर 56.78 मार्क्स उसको मिले हैं मैथ्स में। तो जब मैं पॉइंट मतलब डेसिमल नंबर का इस्तेमाल करती हूँ, तो वो होता है एक फ्लोट टाइप वैल्यू। तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा होते हैं। तो सी लैंग्वेज में कुछ 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को बांट दिया गया है। फर्स्ट इज प्राइमरी डेटा टाइप्स, और प्राइमरी को हम बोलते हैं स्केलर। इसे लिख लेना, नोट कर लेना, स्केलर डेटा टाइप ही होता है आपका प्राइमरी, या फिर आप इसे एक वर्ड और बोल सकते हो, प्रिमिटिव। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, प्रिमिटिव या फिर स्केलर दोनों ही प्राइमरी होती है। मतलब वो डेटा टाइप्स जो कि बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हम यूज़ करते हैं, बिल्कुल प्राइमरी, जैसे कि आपका करेक्टर। अब करेक्टर भी 2 टाइप का होता है, साइंड और अनसाइंड। नेक्स्ट इज फ्लोट। अब फ्लोट में क्या है, फ्लोट होता है एक डबल, एक लॉन्ग डबल। डबल का मतलब क्या है, जब हमारे पास बहुत बड़े बड़े डेसिमल नंबर होते हैं तो उसको हम डालते हैं डबल में, और उससे भी बड़ों के लिए लॉन्ग डबल होता है। नेक्स्ट इज इंट। ऐसे हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी बना दी है, जैसे कि इंट, फिर लॉन्ग इंट, अनसाइंड इंट। कई बार इंटीजर पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, उनकी लेंथ बड़ी छोटी हो सकती है, तो उसके बिहाफ पे हमने ये कैटेगरी बनाई है। ये कैटेगरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि कौन से डेटा टाइप्स प्रिमिटिव है, कौन से यूजर डिफाइंड है, और कौन से डिराइव्ड है। ठीक है, यहाँ पे इंट आ गया, फ्लोट आ गया, कैर और वॉइड आ गया। अब बात करते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स के बारे में, मतलब वो टाइप्स जो यूज़र अपने आप डिफाइन करता है, जैसे कि इनम, मतलब इन्यूमरेटेड डेटा टाइप। नेक्स्ट इज टाइप डेफ। इनके बारे में आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं ज़रूर इसके बारे में बताऊंगी आप लोगों को। नेक्स्ट इज डिराइव्ड डेटा टाइप, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब वो टाइप जो कि प्राइमरी टाइप का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं, जैसे कि पॉइंटर्स। पॉइंटर क्या होते हैं, पॉइंटर के बारे में हम ज़रूर पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट इज एरे। अब एरे क्या होता है, सारे सेम टाइप ऑफ डेटा का कलेक्शन कहलाता है एरे। जैसे कि हम बोल सकते हैं इंटीजर टाइप का एरे, या फिर करेक्टर टाइप का एरे, मतलब होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा को मिला के जो एक एंटिटी बनती है उसे हम कहते हैं एरे। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्स एंड लास्ट इज यूनियन। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था पीछे, वो था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर डेटा टाइप, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोट, क्योंकि यूनियन, एरे और लिंक लिस्ट क्या है, आपके डिराइव्ड डेटा टाइप होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इनकी रेंज की। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि किस टाइप की क्या रेंज होती है और क्या इसका साइज होता है इन द मेमोरी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद कर लेना। इसमें मैं बताऊंगी कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है, उसे ही आप याद करना। तो फर्स्ट टेबल एक्सप्लेन कर रही है इंटीजर टाइप के जो टाइप्स होते हैं उनका क्या स्टोरेज साइज है और क्या उनकी वैल्यू की रेंज है। तो फर्स्ट इज कैर। तो कैर होता है 1 byte, इसका मतलब क्या है कि मेमोरी में वो 1 byte की स्पेस लेता है, और इसकी वैल्यू की रेंज होती है -128 से 127, या फिर 0 से लेकर 255, मतलब इतने ही करेक्टर्स हम लिख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अनसाइंड कैर, ये भी 1 byte का होता है। 1 byte आप जानते होंगे 8 bits से मिलके बनता है 1 byte। तो इसकी रेंज क्या है, 0 to 255। नेक्स्ट इज साइंड कैर, ये भी 1 byte का होता है, इसकी रेंज है -128 से 127 तक। एक आप याद कर लीजिए इसकी रेंज, और एक याद कर लीजिए आप इंटीजर की रेंज।
इंटीजर 2 और 4 बाइट्स का हो सकता है, डिपेंड करता है आपका कौन सा कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर है, ठीक है, डॉस है या फिर विंडोज है। अब यहाँ पे रेंज है इसकी -32,768 से लेकर 32,767, या फिर ये भी एक रेंज है, आप इनमें से कोई सा भी याद कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में MCQ फॉर्मेट में ये क्वेश्चन बन सकता है। अनसाइंड इंट भी 2 और 4 बाइट्स का होता है, ये इसकी रेंज होती है। शॉर्ट भी 2 बाइट्स का होता है, ये इसकी रेंज है। अनसाइंड शॉर्ट 2 बाइट्स, इसकी रेंज, और लॉन्ग और अनसाइंड लॉन्ग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं उस टाइप के डेटा की क्या रेंज और क्या उसका स्टोरेज साइज होता है ये समझते हैं। फर्स्ट इज फ्लोट, फ्लोट होता है 4 बाइट्स का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्लोट का साइज क्या होता है, तो 4 बाइट्स होता है, और इसकी रेंज क्या होती है ये भी इंपॉर्टेंट है, 1.2 ये एक्सपोनेंट है, इसे अगर मैं लिखूं ऐसे तो 1.2 ई की पावर -38, आई होप आपको पता होगा एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, से लेकर 3.4 ई की पावर +38। तो पावर देख लीजिएगा, यहाँ पे माइनस पावर है, यहाँ पे प्लस पावर है, और इसमें क्या होता है प्रिसीजन 6 डेसिमल प्लेसेस तक ये वैल्यू आती है। उसके बाद डबल में क्या होता है 8 बाइट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी रेंज ये रही। लॉन्ग डबल 10 बाइट्स का होता है और इसकी रेंज ये रही। इसमें इंपॉर्टेंट ये वाला है इंटीजर है और ये कैर है, ठीक है, मैंने मार्क कर दिए, इन्हें आप अच्छे से याद कर लेना और एक बार आप इनको ऊपर से ही देख लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो MCQ फॉर्मेट में ही आएगा जहां पे आपको आंसर टिक करना होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। स्टैंडर्ड ANSI सी रिकॉग्नाइजेज नंबर ऑफ कीवर्ड, मतलब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितने कीवर्ड होते हैं। तो कीवर्ड क्या होते हैं, बेसिकली कीवर्ड होते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स, वो वर्ड्स जिनका मीनिंग पहले से ही कंपाइलर को पता है, कंपाइलर पहले से ही उनकी फंक्शनैलिटी के बारे में जानता है, और इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके हम स्पेसिफिक फीचर्स परफॉर्म करते हैं इन सी प्रोग्राम। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, तो इसका आंसर भी आप याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर होगा B32, ठीक है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आया था, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन द सी लैंग्वेज। अब यहाँ पूछा है नॉट, मतलब सी लैंग्वेज में इनमें से कौन सा कीवर्ड है जो यूज नहीं होता है। तो देखिए, फर्स्ट इज मेन, अब मेन के बारे में आई होप सो आप लोग जानते होंगे, सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम मेन के बिना नहीं बन सकता है। मेन क्या होता है, मेन आपका इंट मेन भी हो सकता है और वॉइड मेन भी हो सकता है। तो हर एक प्रोग्राम में आपका कम से कम एक फंक्शन तो रहता ही रहता है, और वो होता है आपका मेन फंक्शन। तो ये क्वेश्चन भी आ रखा है कि कम से कम जो एक प्रोग्राम रिक्वायर्ड होता है आपके सी प्रोग्राम को बनाने के लिए, वो क्या होता है, वो क्या होता है, आपका मेन फंक्शन होता है, ठीक है। तो मेन फंक्शन के अंदर हम अपना सारा इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, फंक्शंस बनाते हैं फर्दर, और अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं। तो इंट मेन भी हो सकता है और वॉइड मेन भी हो सकता है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है हमारे सी लैंग्वेज का, ठीक है। इसमें कीवर्ड नहीं कहूँगी, ये कीवर्ड नहीं है, ये एक फंक्शन का नाम है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज एंड एल, उसके बाद फ्लोट एंड देन स्विच। तो इनमें से कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो सी लैंग्वेज में यूज नहीं होता, तो इसका आंसर होने वाला है एंड एल, क्योंकि एंड एल जो कीवर्ड है वो इस्तेमाल होता है हमारा C++ लैंग्वेज में। तो इसका आंसर है एंड एल। अब बात करते हैं कीवर्ड्स के बारे में। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं ये समझते हैं। कीवर्ड्स आर द प्री डिफाइंड और रिजर्व्ड वर्ड्स, मतलब वो वर्ड्स जो पहले से ही डिफाइन किए गए हैं और जो रिजर्व्ड है, मतलब उनका मतलब पहले से ही कंपाइलर जानता है, इन द सी लैंग्वेज एंड ईच ऑफ विच इज एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक फीचर। हर एक वर्ड के साथ एक स्पेसिफिक फीचर जुड़ा हुआ है,
दीज वर्ड्स हेल्प अस टू यूज द फंक्शनैलिटी ऑफ द सी लैंग्वेज. इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके हम सी लैंग्वेज में फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं. दे हैव स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर्स. जैसे कि मैंने बताया, कंपाइलर्स को इनका मीनिंग पहले से ही पता होता है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर आर टोटल 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज. तो वो 32 कीवर्ड्स कौन से हैं, वो यहाँ पे इस टेबल में गिवन है. कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज, देखिए, ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच एंड सो ऑन. तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप इन सबको याद कर लीजिए, बट एक बार इनसे गो थ्रू हो जाइए कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो आप ये तो जानते हैं कि इंट है, लॉन्ग है, ठीक है, फॉर, इफ, कैर, और बाकी हम आगे देखते जाएंगे. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की. तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आउटपुट निकालने वाला. ऐसे क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे ज़रूर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं. तो यहाँ पे मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आई हूँ. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं कि आपको एक प्रोग्राम का स्निपेट कोड दिया होता है और आपको उसका आउटपुट बताना होता है. तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है हेडर फाइल्स से. ये आपकी क्या होती है, हेडर फाइल्स होती हैं. हैश इंक्लूड से स्टार्ट होने वाली स्टेटमेंट को हम बोलते हैं हेडर फाइल्स. और इन फाइल्स में बेसिकली क्या होता है, इन्हें मैं आप लिख देती हूँ, ये होती है हेडर फाइल्स. ठीक है, हेडर फाइल्स, ये भी डिस्कस करेंगे हम आगे. हेडर फाइल्स आगे जो लेक्चर आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे हेडर फाइल्स के बारे में. तो हेडर फाइल्स के अंदर क्या होते हैं, जो हमारे रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, जैसे कि कीवर्ड जो हम पहले पढ़ के आए हैं अभी, उन वर्ड्स के बारे में यहाँ पे लिखा होता है, उन वर्ड्स की डेफिनेशन यहाँ पे होती है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उनके बारे में यहाँ पे डेफिनेशन दी होती है. ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों हेडर फाइल्स को हम प्राइमरीली इंक्लूड करते हैं अपने हर प्रोग्राम में. और इसके अलावा बहुत सी हेडर फाइल्स होती हैं जो कि अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम हम इस्तेमाल करते रहते हैं, जैसे कि math.h, string.h, file.h. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्राम समझते हैं. यहाँ पे void main है, देखिए मैंने कहा था ना कि हर एक C प्रोग्राम में कम से कम एक फंक्शन तो होता ही है, और वो होता है आपका मेन फंक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे मेन के अंदर हमने लिखा है करेक्टर ch, int i, ch is equal to g. अब एक बात याद रख लीजिए कि जो आपका करेक्टर होता है वो होता है 1 byte का, ये हम जानते हैं. ठीक है, और ये सिर्फ 1 byte का डेटा ही स्टोर कर सकता है. ठीक है, और जो करेक्टर में स्टोर होगा उसको हमेशा हम क्या करेंगे, इन कॉलन में लिखेंगे, जैसे कि जी, जैसे कि 3. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, एक सिंगल करेक्टर ही आना चाहिए, तभी ये कैर माना जाएगा. अगर आपने यहाँ पे लिख दिया गरिमा, तो ये क्या बन जाएगा, ये कोई करेक्टर नहीं है, अब ये बन गया है स्ट्रिंग, और इसे हम डबल कोट्स में रिप्रेजेंट करेंगे. स्ट्रिंग के बारे में आगे ज़रूर देखेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं इस क्वेश्चन की. यहाँ पे हमने कैरेक्टर टाइप को यूज़ करा है, और सी एच को हमने कैर बना दिया. इंट आई, सी एच इज इक्वल टू जी, आई इज इक्वल टू सी एच माइनस ए, और यहाँ पे प्रिंट एफ करवा दिया है. और प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, स्क्रीन पे वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं. तो यहाँ पे परसेंटेज डी का इस्तेमाल किया गया है. ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ एक्सेस स्पेसिफायर लिख देती हूँ, जैसे कि परसेंटेज डी यूज होता है आपके इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए. परसेंटेज सी होता है कैर के लिए, परसेंटेज एफ होता है फ्लोट के लिए, और परसेंटेज एस होता है आपका स्ट्रिंग के लिए. और भी होते हैं लेकिन ये बेसिक है, बिल्कुल स्ट्रिंग के लिए होता है. ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स. आई होप आप लोग जानते होंगे इन सब के बारे में, एक्सेस स्पेसिफायर्स. ठीक है, तो यहाँ पे
आई की वैल्यू को प्रिंट कराया गया है। अब यहाँ पे परसेंटेज डी का इस्तेमाल हुआ है, तो हम जानते हैं कि आई क्या है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है, ठीक है। तो इसका आउटपुट आपसे पूछा गया है। अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप जब ही कर पाएंगे जब आपको जी की, ए की, ऐसे अल्फाबेट्स की वैल्यू पता हो, मतलब इनकी एस्काई वैल्यू पता हो, ठीक है। तो वैसे मैं इस क्वेश्चन का आंसर पहले आपको बताती हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है 6। यस, 6 इज द आंसर। अब ये कैसे आया, क्या लॉजिक है, इसको समझने से पहले हमें पहले इनकी एस्काई वैल्यू जाननी होगी। तो यहाँ पे एक टेबल मैंने डाला हुआ है आप लोगों के लिए, जिसमें कैपिटल ए बी सी डी और आपकी स्मॉल ए बी सी डी के बारे में जितने भी एस्काई कोड्स हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आपकी स्मॉल लोअर केस वाली ए बी सी डी और आपकी अपर केस वाली ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात थी कैपिटल ए की, ठीक है। तो कैपिटल ए के लिए देखिए, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड के लिए जो एस्काई कोड का यूज़ होता है वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसे याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 65 से स्टार्ट होता है और 90 तक ये चलता है। और यहीं अगर बात करें लोअर केस अल्फ़ाबेट्स की, तो ये आपका स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक चलता है, 97 to 122। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है 32 का, ठीक है। और यहाँ पे इनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है। लास्ट ईयर क्वेश्चन में आपको, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आया था उसमें आपको दिया हुआ था कि 12 का आप बाइनरी नंबर लिखिए। तो जिन भी स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आती है वो मेरी वीडियो प्लीज़ देखिएगा, हमारे चैनल में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे मैंने पढ़ाया है किस तरीके से आप डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल में जाते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे भी मैं बहुत सारी क्विज डालती रहती हूँ जिसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो प्लीज़ अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हमें जो बात करनी है वो क्वेश्चन के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो ए होता है उसका एस्काई कोड क्या होता है, 65। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि एस्काई कोड के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। तो एस्काई कोड के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर को कुछ भी समझ नहीं आता जो हम इंग्लिश में लिखते हैं, वो इन सबको कन्वर्ट करता है पहले एस्काई में और उसके बाद फिर बाइनरी नंबर में। आप लोग जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर काम करता है 0 और 1 के फॉर्मेट में, मतलब मशीन लैंग्वेज में। तो हमारे लिए वो 65 होता है ए की वैल्यू, लेकिन उसके लिए क्या होती है, बाइनरी में वो कन्वर्ट कर लेता है। इसीलिए कई बार सी प्रोग्रामिंग में आपसे बाइनरी टू डेसिमल या फिर डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पूछ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ से डेसिफर करा कि ए का जो एस्काई कोड है वो होता है 65 और जो आपका जी का होता है वो होता है 71। देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या फिर मैं इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी, आप वहां से भी ले लीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखिए, सी एच इज इक्वल टू जी, मतलब सी एच की जो वैल्यू है वो जी है, और जी की वैल्यू हम जानते हैं क्या है, क्या थी, 71 थी, ठीक है। और ए की वैल्यू हम जानते हैं क्या थी, 65, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आई इज इक्वल टू सी एच माइनस ए दिया हुआ था, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, मैंने जब सी एच को जी डिक्लेयर किया कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। लेकिन जब मैंने आई इज इक्वल टू सी एच माइनस ए लिख दिया तो यहाँ पे क्या हुई, प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई कि जो सी एच है वो तो जी है, और जी और ए दोनों अल्फाबेट्स होते हैं, मतलब करेक्टर्स होते हैं। तो करेक्टर्स की वैल्यू मैं कैसे इंट में स्टोर करवा सकती हूँ, इंट है ना मेरा आई। तो इसीलिए हमने क्या किया, एस्काई कोड का इस्तेमाल किया, और यहाँ पे क्या हुआ, अब आई के अंदर देखिए क्या आने वाला है, आई के अंदर आएगा 71 माइनस में 65, तो आप जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा 6। तो 6 आएगा यहाँ पे, और उसको हमने प्रिंट एफ के हेल्प से स्क्रीन पर प्रिंट करवा लिया, तो इसीलिए हमारा आंसर आ गया 6। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, आउटपुट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं आगे आने वाली वीडियोस में और भी ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड करूंगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीवर्ड यूज्ड फॉर अ स्टोरेज क्लास, कौन से कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं स्टोरेज क्लास के लिए। तो यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन नंबर ए इज प्रिंट एफ, ऑप्शन नंबर बी इज एक्सटर्नल, ऑप्शन नंबर सी इज ऑटो एंड ऑप्शन नंबर डी इज स्कैन एफ। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले इसे पॉज करेंगे, इसका आंसर आप पहले सोचेंगे और उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर को क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑटो। ऑटो क्या है, एक हमारा कीवर्ड है स्टोरेज क्लास के लिए। अब यहाँ पे हम पहले समझेंगे स्टोरेज क्लास होती क्या है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो बात करते हैं व्हाट इज अ स्टोरेज क्लास, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज वेल एज फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चन आपसे डिस्क्रिप्टिव टाइप में भी पूछ सकते हैं और साथ ही में आपसे एमसीक्यू या फिर ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अ स्टोरेज क्लास रिप्रेजेंट्स द विजिबिलिटी एंड अ लोकेशन ऑफ द वेरिएबल। तो देखिए, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम बहुत सारे वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं अपने प्रोग्राम की नीड के अकॉर्डिंग। तो स्टोरेज क्लास क्या करती है, हमें ये बताती है कि क्या उसकी लोकेशन होने वाली है, कहाँ पे जाके वो स्टोर होगा हमारी मेमोरी में और क्या उसकी विजिबिलिटी होने वाली है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टर्म है विजिबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम में उस वेरिएबल की रीच कहाँ तक रहने वाली है, ठीक है, कहाँ तक हम उसे यूज़ कर सकते हैं, किस पर्टिकुलर ब्लॉक तक उसकी विजिबिलिटी रहने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं, इट टेल्स फ्रॉम व्हाट पार्ट ऑफ द कोड वी कैन एक्सेस अ वेरिएबल। बिल्कुल ठीक बात है कि कौन से पार्ट ऑफ कोड से हम उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, ये बताती है स्टोरेज क्लासेस। इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आप लिख के आइएगा एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है डिस्क्रिप्टिव वाला, तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। अ स्टोरेज क्लास इज यूज टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग थिंग्स, ठीक है। फर्स्ट इज द वेरिएबल स्कोप, वही बात जो ऊपर पढ़ के आए हम। नेक्स्ट इज द लोकेशन वेयर द वेरिएबल विल बी स्टोर्ड। अब यहाँ पे देखिए, सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट पी, ठीक है, सेमी कॉलन। तो देखिए, ये वेरिएबल मैंने बना दिया लेकिन मेमोरी में ये वेरिएबल कहाँ स्टोर होगा, क्या इसकी लोकेशन होगी, इसके बारे में मैं नहीं जानती। तो इसके बारे में हमें बताएगी कौन, स्टोरेज क्लास, ठीक है। द इनिशियलाइज्ड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, अब ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए, ये देखिए, इंट क्यू इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने q वेरिएबल को इनिशियलाइज किया वैसे ही इसके अंदर क्या हो गया, 100 वैल्यू स्टोर हो गई। मतलब मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइजेशन भी कर दिया और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने डिक्लेयर किया था p टाइप का वेरिएबल, मतलब मुझे p नाम का इंटीजर टाइप वेरिएबल चाहिए और यहाँ मैंने बता दिया कि मुझे q नाम का इंटीजर वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर 100 वैल्यू स्टोर होने चाहिए। इसे बोलते हैं इनिशियलाइज करना, वेरिएबल को वैल्यू देना, ठीक है। अ लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल, अब लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है कि कहाँ तक उस वेरिएबल की लाइफ चलने वाली है, ठीक है, कौन से ब्लॉक तक उसकी लाइफ रहेगी और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसका कोई यूज़ नहीं रहने वाला, ठीक है। हु कैन एक्सेस द वेरिएबल, उस वेरिएबल को कौन एक्सेस कर सकता है, किस फंक्शन में उसका हम यूज़ कर सकते हैं, तो इन सारी बातों को बताता है स्टोरेज क्लास। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है स्टोरेज क्लास, ठीक है। Thus, a storage class is used to represent the information about the variable. अगर simple language में बोलें तो किसी भी variable के बारे में information बताता है हमारा storage class, ठीक है। आगे यहाँ पे मैंने एक टेबल इंक्लूड किया है जिसे मैं बोलूँगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट या वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेबल है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टेबल। स्टोरेज क्लास के बारे में अगर आपको समझना है तो इस टेबल को अच्छे से समझिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हमारे पास चार टाइप की स्टोरेज क्लास होती है, ठीक है, ऑटोमेटिक,
रजिस्टर, स्टैटिक एंड एक्सटर्नल। पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इनका कीवर्ड क्या होता है? तो ऑटोमेटिक के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑटो का, रजिस्टर के लिए इस्तेमाल करते हैं रजिस्टर का, स्टैटिक के लिए स्टैटिक का, और एक्सटर्नल के लिए एक्सटर्न का। ये याद रख लेना कि एक्सटर्नल के लिए एक्सटर्न है, ऑटोमेटिक के लिए ऑटो है, और इन दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इनिशियल वैल्यू, मतलब जो वेरिएबल्स ऑटो के साथ बनने वाले हैं, मतलब जैसे कि ऑटो इंट आई, सपोज एक वेरिएबल है इंट आई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑटो का इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो इनिशियल वैल्यू आएगी वो क्या होगी, गार्बेज वैल्यू। अब गार्बेज वैल्यू क्या होती है भाई? गार्बेज वैल्यू मतलब कोई भी रैंडम वैल्यू, मतलब कुछ भी आ सकता है, नेगेटिव में, पॉजिटिव में, उसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रजिस्टर टाइप की। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी गार्बेज वैल्यू ही आती है। स्टैटिक में क्या होता है, ज़ीरो आता है, मतलब जो भी वेरिएबल स्टैटिक स्टोरेज क्लास के साथ बनेंगे उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो गार्बेज नहीं होगी बल्कि ज़ीरो वैल्यू आएगी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही में एक्सटर्नल में भी क्या आता है, इनिशियल वैल्यू ज़ीरो ही आती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टोरेज की, कि जो वेरिएबल्स ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के साथ बनेंगे वो मेमोरी में कहाँ पे स्टोर होने वाले हैं। तो वो होंगे हमारी मेमोरी के अंदर, मतलब हमारी रैम के अंदर ही स्टोर होने वाले हैं। नेक्स्ट इज रजिस्टर, स्टोरेज क्लास के जो वेरिएबल्स होंगे वो कहाँ होंगे, सीपीयू रजिस्टर के अंदर होंगे। अब रजिस्टर का मतलब क्या होता है, रजिस्टर वो जगह होती है हमारे सीपीयू के अंदर जहाँ पे हम वो इंस्ट्रक्शंस या वो वेरिएबल्स रखते हैं जिनका इस्तेमाल हम बार बार करते हैं, ठीक है, ताकि सीपीयू को बार बार मेमोरी के पास ना जाना पड़े, वो रजिस्टर से ही उसे ले ले। स्टैटिक में भी आपका स्टोरेज मेमोरी में होता है और एक्सटर्नल में भी स्टोरेज मेमोरी में ही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्कोप के बारे में। अब स्कोप देख लीजिए, स्कोप लिमिटेड लोकल टू द ब्लॉक, मतलब जिस ब्लॉक में हमने ऑटो का इस्तेमाल करके वेरिएबल बनाया होगा उसका यूज़, उसका स्कोप सिर्फ उसी ब्लॉक तक होगा, उसके बाहर आप उसे यूज़ नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं रजिस्टर की, यहाँ पे क्या है, स्कोप लिमिटेड लोकल टू द ब्लॉक, इसमें भी लोकल ही होता है, ब्लॉक के अंदर जिस ब्लॉक में आपने उसको डिक्लेयर किया है वहीं तक आप उसे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज स्टैटिक, स्टैटिक में क्या होता है, स्कोप लिमिटेड लोकल टू द ब्लॉक, इसमें भी सेम है एकदम, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल में क्या होता है, ग्लोबल, मतलब ग्लोबली आप पूरे प्रोग्राम में उस पर्टिकुलर वेरिएबल को यूज़ कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। बात करते हैं इसके लाइफ के बारे में, ठीक है। तो लाइफ के बारे में क्या मतलब है, लिमिटेड लाइफ ऑफ द ब्लॉक वेयर डिफाइंड, मतलब जब आपका ब्लॉक ख़त्म हो गया तो उसी के साथ साथ उस वेरिएबल की लाइफ भी ख़त्म हो गई, मतलब उसके बाद आप उसे यूज़ ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज रजिस्टर में लिमिटेड लाइफ ऑफ ब्लॉक वेयर डिफाइंड, बिल्कुल सेम है, ब्लॉक जहाँ पे ख़त्म वहाँ पे उसकी लाइफ भी समाप्त। स्टैटिक में देखते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल्स, स्टैटिक में क्या होता है, फंक्शन कॉल्स के अंदर जो होता है हमारा स्टैटिक क्या रहता है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, थ्रू आउट द प्रोग्राम वो रहता है, मतलब फंक्शन कॉल्स में वो रहेगा, ठीक है। बात करते हैं एक्सटर्नल की, तो ग्लोबल टिल द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, मतलब वो ग्लोबली होता है, पूरा प्रोग्राम जब तक ख़त्म हो जाएगा नहीं, वो ख़त्म नहीं होगा, उसकी लाइफ हमेशा रहने वाली है। मेमोरी लोकेशन की बात करते हैं, तो ये होता है आपका स्टैक में, सेकंड ये होता है आपका रजिस्टर मेमोरी के अंदर, स्टैटिक वाला होता है आपका सेगमेंट में, एंड एक्सटर्नल इज ऑल्सो इन द सेगमेंट, ठीक है। अब यहाँ मैंने एग्जाम्पल भी इंक्लूड किया है, तो एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। वॉइड मेन में ऑटो इंट आई प्रिंट एफ परसेंटेज डी आई, अब देखिए मैंने यहाँ पे ऑटो कीवर्ड का इस्तेमाल किया है और यहाँ मैंने इसे प्रिंट करवा लिया, लेकिन मैंने इंट को कोई वैल्यू नहीं दी है, मैंने इंट आई को कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी है, लेकिन फिर भी आउटपुट में क्या आ गया, 124 आ गया। ये कैसे आ गया, क्योंकि ऑटो का इस्तेमाल करने से इसने कोई भी रैंडम गार्बेज वैल्यू को उठा लिया और उसे प्रिंट कर दिया, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं रजिस्टर स्टोरेज क्लास की, तो वॉइड मेन रजिस्टर इंट आई, अब यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल किया है। लूप्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो यहाँ पे बता देती हूँ लूप क्या होता है। लूप का इस्तेमाल करते हैं हम आइट्रेशन के लिए, रिपीटेशन के लिए, मतलब जब हमें किसी एक स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना होता है तो उसे बार बार लिखने के बजाय हम लूप का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा काम कम हो जाए, हमारा प्रोग्राम और छोटा बने और एफिशिएंट बने। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, रजिस्टर से एक इंट आई वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। फॉर में आई इज इक्वल टू वन, आई इज लेस देन इज इक्वल टू फाइव, आई प्लस प्लस, प्रिंट एफ परसेंटेज डी आई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे रजिस्टर था और हमने आई को वन से सेट किया हुआ था, तो आई में अपने आप क्या आ जाएगा, वन आ गया। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है फॉर लूप के अंदर कि जब तक आई की वैल्यू फाइव से इक्वल नहीं हो जाए, मतलब फाइव से छोटी और फाइव के इक्वल ना हो जाए, जब तक आप प्रिंट करते रहेंगे, जैसे ही ये फॉल्स हो जाएगा वैसे ही आप क्या करोगे, टर्मिनेट कर दोगे। ठीक है, फॉल्स होते ही आप टर्मिनेट कर दोगे। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले वन आया, ठीक है, आई के अंदर, उसके बाद आपने क्या किया, प्रिंट कर दिया, तो प्रिंट कर दिया आई, तो वन प्रिंट हो गया। देखिए ये ऐसे काम करता है, मैं एक बार लिख के दिखाती हूँ आपको, फॉर आई इज इक्वल टू वन, अब यहाँ पे सेमी कॉलन आएगा, याद रखिएगा, आई लेस देन इक्वल टू फाइव, आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस, ब्रैकेट के बाद कोई सेमी कॉलन नहीं आता क्योंकि हमने अंदर ही इसका यूज़ कर लिया है। ठीक है, ये सिंटेक्स होता है, इसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब यहाँ देखिए, पहले चलेगा ये, फिर ये, फिर जो स्टेटमेंट है वो, और फिर चलेगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, तो देखिए आई की वैल्यू वन थी, उसके बाद हमने चेक किया क्या आई लेस देन इज इक्वल टू फाइव है, बिल्कुल है, वन लेस देन इज इक्वल टू फाइव होता है, नहीं होता है, होता है। तो हम स्टेटमेंट पे आ जाएंगे जहाँ लिखा था प्रिंट एफ कर दो आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू वन प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हम जाएंगे फोर्थ पे, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू अब वन से क्या हो गई, टू हो गई, तो टू में क्या हो जाएगा, वापस आएंगे चेक करेंगे टू इज लेस देन इज इक्वल टू फाइव है क्या, बिल्कुल है, ट्रू हो गया, तो प्रिंट कर देंगे आई की वैल्यू, तो टू भी प्रिंट हो जाएगा। फिर जाएंगे इस पे आई प्लस प्लस, अब हमने आई की वैल्यू को फिर से इंक्रीमेंट कर दिया, अब थ्री हो गई है, थ्री के लिए चेक करेंगे थ्री लेस देन इज इक्वल टू फाइव है क्या, बिल्कुल है, तो स्टेटमेंट पे आएंगे थ्री को प्रिंट कर दो। फिर ऊपर जाएंगे आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू को फोर कर देंगे, अब चेक करेंगे कंडीशन फोर इज लेस देन इज इक्वल टू फाइव है क्या, बिल्कुल है, तो नीचे आ जाएंगे स्टेटमेंट पे और प्रिंट एफ कर देंगे आई की वैल्यू, मतलब फोर को प्रिंट कर दिया। फिर क्या करेंगे, दोबारा से इसे इंक्रीमेंट करेंगे आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू फोर से क्या हो जाएगी, फाइव हो जाएगी और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, वापस से हम जाएंगे आई प्लस प्लस पे और अब आई की वैल्यू हो जाएगी सिक्स, सिक्स होने के बाद कंडीशन चेक जब होगी तो यहाँ पे हो जाएगा सिक्स लेस देन इज इक्वल टू फाइव, तो क्या ये ट्रू है, नो इट इज नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स। तो फॉल्स होने के कारण यहीं पर हमारा फॉर लूप बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा और स्क्रीन पे आ जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्टैटिक स्टोरेज क्लास के एग्जांपल के बारे में। तो यहाँ पे देखिए void add, अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन को डिक्लेयर किया है, void add फंक्शन हम बनाने वाले हैं। void main में मैंने add को दो बार कॉल कर लिया है, ठीक है, इसके बाद मैंने void add को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इसे डिफाइन किया है कि क्या आएगा void add में, यहाँ मैंने डिक्लेरेशन दी है, यहाँ पे डिक्लेरेशन दी है और यहाँ मैंने इसकी डेफिनेशन दी है। ठीक है, डिफाइन किया है अपने फंक्शन को, ओके, तो यहाँ पे स्टैटिक इंट आई इज इक्वल टू वन कर दिया, प्रिंट एफ स्लैश एन परसेंटेज डी आई और आई इज इक्वल टू आई प्लस वन।
तो हमारा फंक्शन यहाँ पे तैयार हो गया। फंक्शन में क्या हो रहा है, ऐड फंक्शन में क्या हो रहा है, हमारा स्टैटिक इंट आई इज इक्वल टू वन एक वेरिएबल है, प्रिंट करेंगे हम इसकी वैल्यू को और फिर आई की वैल्यू आई प्लस वन कर देंगे। ठीक है, अब वॉइड मेन में मैंने पहली बार इस फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम इसे कॉल किया तो मेरा कंट्रोल आ गया यहाँ पे, कंट्रोल यहाँ पे आ गया। यहाँ पे इसने देखा कि स्टैटिक इंट आई इज इक्वल टू वन, तो आई की वैल्यू यहाँ पे वन थी, प्रिंट हो गई आई की वैल्यू, स्क्रीन पे आ गया वन और साथ ही में आई की वैल्यू अब इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये फंक्शन क्लोज हो जाएगा। उसके बाद वापस से कंट्रोल जाएगा मेन पे और मेन में दोबारा से इसी फंक्शन को कॉल किया गया है, तो वापस से कंट्रोल आएगा वो ऐड पर और यहाँ पे अब क्या होगा, आई की वैल्यू टू हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी आई की वैल्यू, तो अब टू हो गई है और फिर से आई प्लस प्लस मतलब अब वैल्यू थ्री हो जाएगी। लेकिन थ्री प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोबारा ऐड को हमने कॉल ही नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं इन स्टोरेज क्लास को। लास्ट की बात कर लेते हैं, लास्ट में क्या है, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। तो यहाँ पे void main extern int i printf percentage d i extern i is equal to 5, ठीक है, सॉरी int i is equal to 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने extern का इस्तेमाल करके i int i डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद मैंने किया printf परसेंटेज डी आई किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे आई इंट आई की वैल्यू 5 कर दी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देखो, मैंने यहाँ पे कुछ भी डिक्लेयर मतलब इनिशियलाइज नहीं किया था, लेकिन मैंने नीचे इंट आई इज इक्वल टू 5 कर दिया। तो इसका मतलब क्या था कि जो वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था उसका स्कोप यहाँ पर भी है, तो इसीलिए जब प्रिंट होके वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चार स्टोरेज क्लास को समझा। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछ लेंगे कि इनिशियल वैल्यू क्या होती है एक्सटर्नल की। ठीक है, आपसे पूछ लेंगे कि रजिस्टर स्टोरेज क्लास कहाँ पे स्टोर होता है, तो आपको इन सारे पॉइंट्स को याद करना है और यहीं से आपका बनता है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन भी। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। ओ लेवल जीएस अड्डा आप सबके लिए सी प्रोग्रामिंग के पेड नोट्स लेकर आया है। ठीक है, आपको इसमें पीडीएफ नोट्स मिलेंगे मॉड्यूल M3R4 के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स सितंबर वाले एग्जामिनेशन में सी प्रोग्रामिंग को देने वाले हैं वो इन नोट्स को ले सकते हैं और इनका बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, लेने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमको। और ये नोट्स मैंने खुद से डिज़ाइन किए हैं, ये नोट्स हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम में डिज़ाइन किए गए हैं और नोट्स बहुत ही क्रिस्प हैं, जिन्हें पढ़ के आप विद इन 10-12 डेज आप सी प्रोग्रामिंग को कंप्लीट कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो सारे मॉड्यूल क्लियर कर लेते हैं लेकिन सी प्रोग्रामिंग या पाइथन प्रोग्रामिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट होते हैं ये होते हैं आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सब्जेक्ट, मतलब इसमें थोड़ा बहुत टेक्निकल आपको आना चाहिए। तो इसीलिए बहुत से बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, इसीलिए मैंने दोनों ही मीडियम में नोट्स बनाए हैं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। और नोट्स ऐसे बनाए हैं कि एक बार कोई पढ़े तो पढ़ते ही उसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ में लिख देती हूँ यहाँ पे, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना। व्हाट इज़ अ फ्लो चार्ट, ठीक है, फ्लो चार्ट क्या होता है ये पूछा गया है, एंड लिस्ट द सिंबल्स दैट आर यूज टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट। कौन से सिंबल का इस्तेमाल करते हैं हम फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए, डेवलप अ फ्लो चार्ट टू फाइंड मिनिमम ऑफ द गिवन थ्री नंबर्स। और साथ ही में आपको बोला गया है कि आप एक फ्लो चार्ट बनाइए जिसमें आप क्या करेंगे, तीन नंबर में से कौन सा नंबर मिनिमम है मतलब छोटा है उसके लिए आप एक फ्लो चार्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका 5 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं डिस्कस करती हूँ इसे।
5 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं फ्लो चार्ट के बारे में। फ्लो चार्ट क्या होता है? तो अ फ्लो चार्ट इज सिंपली अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स। देखिए, फ्लो चार्ट को समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम क्या होती है। हम कभी भी किसी भी प्रोग्राम को बनाने से पहले उसकी एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं। मतलब एल्गोरिथम क्या करती है, वो ये बताती है कि कितने स्टेप में हमारे प्रोग्राम का आउटपुट आने वाला है, क्या लॉजिक यूज़ होगा हमारे प्रोग्राम में, ठीक है। तो प्रोग्राम को लिखने से पहले किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहले हम उसकी एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। ये आप याद कर लेना, नोट कर लेना, एल्गोरिथम सबसे पहला स्टेप होता है। उसके बाद हमने क्या किया, उस एल्गोरिथम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया, और उसके लिए हमने जो टूल का यूज़ किया वो था हमारा फ्लो चार्ट, ठीक है। तो फ्लो चार्ट का यूज़ करके हम उन्हीं स्टेप्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिगर्स और सिंबल्स का इस्तेमाल करके हमने स्टेप्स को यूज़ किया ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के तौर पे। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इट शोज स्टेप्स इन सिक्वेंशियल ऑर्डर एंड इज वाइडली यूज्ड इन प्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ एल्गोरिथम्स, वर्क फ्लो और प्रोसेसेस। बिल्कुल ठीक बात है। जिस सिक्वेंशियल ऑर्डर में आपके स्टेप्स लिखे होते हैं एल्गोरिथम में या वर्क फ्लो और प्रोसेस में, उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में मदद करता है आपका फ्लो चार्ट। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। टिपिकली अ फ्लो चार्ट शोज द स्टेप्स एज बॉक्सेस ऑफ वेरियस काइंड एंड देयर ऑर्डर बाय कनेक्टिंग देम बाय एरो, ठीक है। तो फ्लो चार्ट में क्या होता है, स्टेप्स को दिखाया जाता है सिंबल्स के तौर पे। हम यहाँ पे बॉक्सेस और एरोस का इस्तेमाल करते हैं। एरो का मतलब क्या होता है कि लिंक दिखाने के लिए हम एरो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया आपको फ्लो चार्ट क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे सिंबल्स के बारे में जो आपके फ्लो चार्ट में यूज़ होते हैं। कौन से सिंबल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम फ्लो चार्ट को ड्रॉ या फिर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सिंबल नंबर 1 इज स्टार्ट स्टॉप सिंबल। तो इस सिंबल का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, अपने एल्गोरिथम की बिगनिंग और उसकी एंडिंग को शो करते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको सिंबल ड्रॉ भी करना है, उसका नाम भी लिख के आना है, और साथ ही में उसका यूज़, उसका पर्पस क्या है, ये भी एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो यहाँ से आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। अब बात करते हैं सिंबल नंबर 2 की। ये आपका क्या है, आपका एक स्क्वायर है। तो ये क्या है, प्रोसेस के लिए। इंडिकेट प्रोसेसेस लाइक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जो लॉजिक आप यूज़ करते हो उसको आप इंडिकेट करते हो इस पर्टिकुलर स्क्वायर में, इसे बोलते हैं प्रोसेस। प्रोसेसिंग क्या हो रही है अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका है पैरेललोग्राम। इसे इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है। यूज्ड फॉर डिनोटिंग प्रोग्राम इनपुट एंड आउटपुट। मतलब जो वेरिएबल्स हम इनपुट में लेते हैं या फिर जो आउटपुट हम देते हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं इस पर्टिकुलर सिंबल से। नेक्स्ट इज डायमंड शेप सिंबल। इसे हम बोलते हैं डिसीजन सिंबल। इसका इस्तेमाल करके हम अपने प्रोग्राम में डिसीजन स्टेटमेंट्स का दिखाते हैं। मतलब स्टैंड फॉर डिसीजन स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम वेयर आंसर इज यूजुअली येस और नो। जब हमें डिसीजन का इस्तेमाल करना होता है, जैसे कि लूप्स में, तो वहाँ पे येस और नो होता है, तो उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डायमंड सिंबल का। नेक्स्ट इज एरो। एरो का इस्तेमाल करके हम डिफरेंट शेप्स के बीच में क्या रिश्ता है, क्या उनका रिलेशन है, ये शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अ सर्कल। ये दोनों आपको इतना यूज नहीं करना होगा लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं। फर्स्ट इज ऑन पेज कनेक्टर। इसका मतलब क्या होता है, कनेक्ट्स टू और मोर पार्ट्स ऑफ अ फ्लो चार्ट विच आर ऑन द सेम पेज। कई बार क्या होता है, एक ही सेम पेज पर अलग अलग पार्ट्स होते हैं फ्लो चार्ट के, तो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑन पेज कनेक्टर का, ठीक है जी। और यहाँ पे नेक्स्ट सिंबल क्या है, ऑफ पेज कनेक्टर। कनेक्ट्स टू पार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट विच आर स्प्रेड ओवर डिफरेंट पेज। जो फ्लो चार्ट्स के पार्ट डिफरेंट पेज पे अवेलेबल है उनको कनेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑफ पेज कनेक्टर का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे सिंबल कवर कर लिए उनके सिंबल नेम और उनके पर्पस के साथ। अब यहाँ पे लास्ट रह गया हमारा पॉइंट नंबर 3, दैट इज़ हमें बनाना है फ्लो चार्ट
जो कि बताएगा कि 3 नंबर में से कौन सा नंबर सबसे छोटा है या फिर सबसे मिनिमम है। ठीक है, तो इसके लिए फ्लो चार्ट कुछ इस तरीके से आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। फ्लो चार्ट को बनाने का कोई एक तरीका नहीं होता है, आप कोई और तरीका भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन सिंबल्स आपको वही यूज़ करने हैं जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ इस फ्लो चार्ट के बारे में। तो फर्स्ट इज स्टार्ट। देखिए, स्टार्ट करने के लिए हमने इस्तेमाल किया इस सिंबल का, उसके बाद एरो लगाई और रीड कर लिया ए बी सी। तो रीड के लिए इस्तेमाल करते हैं पैरेललोग्राम का। अब क्योंकि हमें 3 नंबर्स के बीच में बताना है कि कौन सा मिनिमम है, तो हमने 3 नंबर्स को रीड कर लिया, ए बी और सी। ठीक है, इसके बाद अब डिसीजन के लिए हमने इस्तेमाल किया है किसका, एक डायमंड का। ठीक है, तो डायमंड में मैंने लिखा है इफ ए इज लेस देन बी, अगर ए की वैल्यू बी से लेस देन है तो आप इधर जाएंगे, मतलब लेफ्ट में जाएंगे, वरना आप राइट में जाएंगे। तो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले ही कि डिसीजन बॉक्स का इस्तेमाल होता है डिसीजन लेने के लिए, मतलब येस या नो कंडीशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं हम डिसीजन बॉक्स का। ठीक है, तो अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है तो आप आ जाएंगे लेफ्ट साइड में, फिर आप चेक करेंगे क्या ए की वैल्यू सी से भी छोटी है। तो अगर ऐसा होता है तो आप आ जाएंगे यहाँ पे, और इसका मतलब है ए इज स्मॉलर, मतलब ए क्या है बी से भी छोटा है और ए क्या है सी से भी छोटा है। तो सबसे छोटा नंबर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हम जाएंगे कहाँ पे, हम जाएंगे इसके राइट साइड में। अगर ए सी से छोटा नहीं होता है तो क्या होगा, सी छोटा होगा किससे, ए से, तो सी स्मॉलर इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब मान लो ये चीज नहीं है, अगर हमारा ए छोटा नहीं है बी से, तो हम आ जाएंगे इसके राइट साइड में। यहाँ पे एक और कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, बी लेस देन सी, क्या बी की वैल्यू सी से छोटी है, अगर है तो हम आ जाएंगे इसके राइट साइड में और हम बोल देंगे सी इज स्मॉलर। लेकिन अगर यहाँ पे बी की वैल्यू छोटी है अगर सी से, तो हम बोल देंगे बी इज स्मॉलर। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंत में हमें स्टॉप करना पड़ जाएगा, मतलब इनमें से कोई एक ही आंसर होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक ही आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप फ्लो चार्ट बनाते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करती हूँ इस फ्लो चार्ट की वर्किंग के बारे में। सपोज हमारे पास 3 नंबर है, 20, 35 एंड 57। इन 3 नंबर में से मिनिमम नंबर मुझे चूज करना है। ठीक है, इसके लिए मैंने फ्लो चार्ट बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर रीड हो गए ए बी सी, इन्हें हम ए बी सी मान लेते हैं, ए बी और सी। ठीक है, पहले हमने चेक किया क्या ए लेस देन बी है, तो क्या 20 लेस देन 35 है, बिल्कुल ठीक है, तो हम कहाँ आ जाएंगे, लेफ्ट में आ जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट में आ जाएंगे। अब हम चेक करेंगे क्या ए इज लेस देन सी है, क्या 20 इज लेस देन 57 है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए इज स्मॉलर। तो आपको स्क्रीन पे शो होगा 20 इज स्मॉलर। तो इस तरीके से आप और भी नंबर्स लेके चेक कर सकते हैं इस फ्लो चार्ट की वर्किंग को। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का आंसर भी कर लिया है। इस फ्लो चार्ट में एक छोटी सी करेक्शन है, यहाँ पे नो ना होके यस आएगा और यहाँ पे यस ना होके नो आएगा, मतलब अगर आपका ए इज लेस देन बी फॉल्स है और आपका बी इज लेस देन सी ट्रू है, ओनली देन बी इज स्मॉलर, और अगर आपका बी लेस देन सी फॉल्स है तो आपका सी इज स्मॉलर होगा। ठीक है, यहाँ पे एक करेक्शन थी, इसे मैंने यहाँ पर ऐड करवा दिया। तो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। क्वेश्चंस को डिस्कस करने के साथ साथ मैंने सबका कंसेप्ट भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करी है। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी क्वेश्चन करवाऊंगी, हम डिफरेंट मॉड्यूल्स के क्वेश्चन भी देखेंगे, वो क्वेश्चन और वो टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही पास आ चुका है, सितंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए ओ लेवल जी एस अड्डा चैनल को, और शेयर कीजिए आप अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो एग्ज़ाम देने वाले हैं सितंबर में,
और उनको बताइए कि किस तरीके से इस चैनल पे वीडियोस आ रही हैं ओ लेवल के रिगार्डिंग, ठीक है। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो उसे प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आगे आने वाले हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक यहाँ पे गिवन है और साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक गिवन है। सो थैंक यू सो मच। अब रेगुलरली आपको वीडियोस मिलेंगी बिना किसी डिले के और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है हमारे चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।